इंदौर में विधायक महेंद्र हार्डिया ने मूसाखेड़ी चौराहे से कोरोना के बचाव को लेकर जन जागरण अभियान चलाया। विधायक महेंद्र हार्डिया ने व्यापारियों सहित हाट ठेला व्यापारियों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की समझाइश दी। हार्डिया ने समझाई दी कि जो व्यक्ति मास्क पहनकर न आए उसको सामान न दिया जाए और जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करे उसे भी सामान न दिया जाए। साथ ही विधायक हार्डिया ने व्यापारियों और इंदौर वासियों से अनुरोध किया है सावधानी से व्यवसाय करें ताकि हम कोरोना जैसे वायरस से मुक्ति पा सकें, लेकिन इसमें लापरवाही अगर होती है तो शहर में एक बार फिर दुकान खोलने को लेकर परेशानी आ सकती है। लगातार हाथ साफ कीजिए, मास्क लगाइए, ये सारी चीज़ें बार बार डॉक्टरों ने कही है, मुख्यमंत्री जी ने की, प्रधानमंत्री जी ने की है, यही निवेदन करने आज हम घर घर आए। और खासकर जो कच्चा माल बेचते हैं, जो फल बेचते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, ऐसे व्यापारी को भी हम समझा रहे हैं कि अगर आपको ये सुविधा मिली है तो इस सुविधा का सावधानीपूर्वक आप उपयोग कीजिए। देखिए, कोरोना से डरना नहीं है, किंतु इसका सबसे बड़ा जो हमको हथियार है, हमको अपनी सुरक्षा, वो सावधानी। अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो कोरोना निश्चित रूप से मानव के ऊपर आक्रमण करेगा। यही संदेश देकर मैं प्रत्येक जहाँ हमारे हाट बाजार है, जहाँ हमारी सब्जियों की दुकान है, जहाँ हमारे दुकानदार व्यवसाय करते हैं, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं